हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है बच्चे के गले में अम्बिकल कॉर्ड या गर्भ नाल का फंसना। उसके बेसिकली कारण क्या होते हैं, क्या उसके उपाय होते हैं और क्या क्या उपायों को आप करने के बाद वो अपने बच्चे के गले से निकाल सकते हो। तो देखो, मोस्टली ये जो होता है उसके कारण कई महिलाएं जो होती हैं जिनका ऑपरेशन भी करना पड़ता है, उनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपके बच्चे ने 3 बार गले में अम्बिकल कॉर्ड फंसाई है तो उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। तो चलो आज इस वीडियो में जानेंगे कि अम्बिकल कॉर्ड क्या है, क्या है इसके कारण और क्या उपाय करके आप इससे घर बैठे बैठे ही सही कर सकते हैं या फिर अपनी नॉर्मल डिलीवरी करवाने की राह पर चल सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अम्बिकल कॉर्ड क्या होती है। देखो, अम्बिकल कॉर्ड आपने देखा ही होगा, जब बच्चा जन्म लेता है उसके पेट में एक नाल होती है जिसको गर्भ नाल कहते हैं, जो बच्चे को पोषण तत्व पहुंचाने में मदद करती है। ये जो गर्भ नाल होती है बच्चे के पेट से लेकर माँ के पेट तक होती है, एक प्लेजेंटा तक अटैच होती है और इससे बच्चे को सारे पोषण तत्व मिलते हैं। बच्चे को जो भी आप खाती हैं, जो भी पीती हैं या जो भी इमोशंस होते हैं आपके, इसके थ्रू ही बच्चे तक ट्रांसफर होते हैं। जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है ये जो गर्भ नाल होती है बच्चे के पेट से कट कर दी जाती है और वहाँ पर कुछ पिन सी लगा दी जाती है जिसके थ्रू वो गर्भ नाल डॉक्टर संभाल के अलग से रख लेते हैं और आपको आपका बेबी पकड़ा दिया जाता है। ये गर्भ नाल बहुत ज़्यादा बच्चे को पोषण तत्व पहुँचाने में, बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बट कभी कभार ये नाल की लंबाई लंबी होने की वजह से या कुछ ऐसे और भी कारण हैं जो हम डिस्कस करेंगे, उसकी वजह से ये प्रॉब्लमेटिक हो जाती है बच्चे को पोषण तत्व पहुंचाने से भी ज्यादा। तो अब हम बात कर लेते हैं ऐसे क्या कारण रहते हैं जिसकी वजह से अम्बिकल कॉर्ड आपके बच्चे के गले में बहुत बार फंस जाती है और आपको सिजेरियन डिलीवरी करवानी पड़ती है। तो देखो, सबसे पहला कारण तो अम्बिकल कॉर्ड से रिलेटेड है, उसकी लंबाई ज़्यादा होना। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी गर्भ नाल की लंबाई ज़्यादा होती है, जैसे ही बच्चा थोड़ी भी मूवमेंट क्यों ना करे वो उसके गले में फंस जाती है। सेकेंड है आपका इम्यूनिटी फ्लूड का ज़्यादा होना। आपने सुना ही होगा आपके पेट में पानी होता है, जो वो पानी अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हो तो बच्चे की मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से बच्चा अपने गले में 2 से 3 बार भी गर्भनाल फंसा लेता है और आपको सिजेरियन करवाना ही पड़ता है। उसके बाद अगर आपकी ट्विन प्रेगनेंसी हो, अगर आपकी ट्विन है, ट्रिपल है, कितनी भी क्यों नहीं है, आप अगर कहते हैं ना अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो एक साथ घूमेंगे तो किसी न किसी बच्चे की गर्भनाल किसी न किसी बच्चे के गले में फंस जाएगी। तो वही सीन होता है, उस चक्कर में भी आपके अम्बिकल कॉर्ड फंस जाती है, उसमें भी आपका कुछ नहीं कर सकते आप इस चीज़ में। और फोर्थ है बच्चे की ज़्यादा मूवमेंट करना। देखो, कई बार क्या होता है बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, वहीं कई बच्चे होते हैं लेजी। अगर आपका बच्चा एक्टिव है, मूवमेंट कर रहा है, तो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि वह अम्बिकल कॉर्ड फंसा लेगा। तो इसमें कुछ नहीं कर सकते आप। ये तो कुछ 4 रीज़न ऐसे हैं जिसमें आपको किसी भी तरह से लेना देना नहीं है, बट ये है कि बच्चे के गले में फंस के वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है और कहीं ना कहीं बच्चे के लिए भी होता है। क्योंकि अगर आप 3 बार गले में नाल फंसने के बाद भी नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करते हैं तो बच्चे की सांस घुटने की प्रॉब्लम रहती है, बच्चे की जान तक जा सकती है आपका ये छोटा सा रिस्क लेने के बाद। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके देखो बेसिकली लक्षण कह लो, सिम्टम्स क्या होते हैं जिसको देखकर आप पता लगा सकते हो कि अम्बिकल कॉर्ड बच्चे ने फंसा लिया। देखो, सबसे पहला तो होता है बच्चे की मूवमेंट कम होना। जब अम्बिकल कॉर्ड बच्चे के गले में फंस जाती है, बच्चे की मूवमेंट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, बच्चा बहुत कम मूवमेंट कर रहा होता है और वही जो क्या नाम है, बच्चे की मूवमेंट कम होने की वजह से आपको जो है थोड़ा सा बच्चे की हार्ट बीट में प्रॉब्लम रहती है। तो सेकंड आपकी हार्ट बीट है, बच्चे की हार्ट बीट अब नॉर्मल आएगी, कभी बच्चे की हार्ट बढ़ी हुई आएगी, कभी बच्चे की हार्ट बीट घटी हुई आएगी। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे आपको कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिलेगा, वहाँ पर डॉक्टर भी आपका जो है बच्चे का हार्ट बीट चेक करते रहते हैं, तो वहाँ पर भी आपको अब नॉर्मल हार्ट बीट देखने को मिल सकती है। तो ये दोनों कारण से आप सिम्टम से ईजिली पता लगा सकते हो कि आपके बच्चे ने अपने गले में गर्भ नाल फंसा ली। अब मैं बात करूँ इसका ट्रीटमेंट, तो देखो बेसिकली ट्रीटमेंट क्या होता है, मैंने आपको बताया सिजेरियन डिलीवरी करवाना ही ट्रीटमेंट है, घर पर आप नहीं कर सकते बिकॉज जो आपके कारण है, अगर आपसे रिलेटेड कारण होंगे जैसे पानी ज़्यादा है तो आप थोड़ी सी पानी की क्वांटिटी अपनी कम कर सकते हो, खाने की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, बट बाकी के जो 3 कारण हैं, बच्चे की मूवमेंट हो गई, आपकी ट्विन प्रेगनेंसी हो गई है या फिर आपके जो अम्बिकल कॉर्ड है उसकी लेंथ बढ़ी है, इसमें आपका कोई भी हाथ नहीं है। आपको अल्ट्रासाउंड या सिजेरियन के लिए जाना ही पड़ेगा और सिजेरियन करवा, अगर आप सोच रहे हैं कि सिजेरियन नहीं करवाना चाहते तो मैं आपको एक और बात बता दूं,
अगर आप सीजेरियन में डिले करेंगी या फिर आप नहीं चाहेंगे और आप जो है नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाएंगी, उससे दो समस्या बच्चे के लिए खड़ी हो जाती है। सबसे पहले तो बच्चे के मस्तिष्क तक खून कम पहुंचता है, बच्चे के जो ब्रेन है उस तक खून की सप्लाई बहुत कम हो जाती है, बच्चे में किसी ना किसी प्रकार की डिसेबिलिटी देखने को मिल सकती है। और सेकंड अगर मैं बात करूं तो वो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि बच्चे का सांस घुटने की समस्या रहती है, तो अगर आप चाहती हैं आपको बच्चा बहुत ज़्यादा स्वस्थ हो, बहुत ज़्यादा हेल्थी पैदा हो और आप भी तंदुरुस्त रहें, बच्चे की भी लंबी उम्र हो, तंदुरुस्त रहे, तो आपको अम्बिकल कॉर्ड फंसने के बाद अपने अल्ट्रासाउंड टाइम भी करवाने चाहिए, डॉक्टर से सजेशन लेना चाहिए। और अगर आपको सजेशन में कहा जाता है कि सीजेरियन डिलीवरी के लिए गो थ्रू कर लो, चले जाओ, तो आपको बिना सोचे समझे चले जाना चाहिए। तो ये तो थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको जो मैं समझाना चाहती थी आपको समझ आ गया होगा। तो अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।